हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि नूर के N1 नोज़ल से डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल डिज़ाइन बनाएंगे स्टार वाला। इसके लिए आपको पाइपिंग बैग को सीधा पकड़ना है और थोड़ा सा प्रेशर देके उठा लेना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो कोई और डिज़ाइन बनकर आएगा, जो कि ठीक है, पर अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा और पाइपिंग बैग को उठाना पड़ेगा। अब हम सेकेंड डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके अंदर हम ऐसे दो लेयर्स आने के बाद पाइपिंग बैग को उठा लेंगे। इसमें भी आपको पाइपिंग बैग को सीधा ही रखना है। अब हम सेम डिज़ाइन में थ्री लेयर्स वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए भी पाइपिंग बैग को सीधा रखना है और ऐसे तीन लेयर आने के बाद आप इसे उठा लें। आपको जितना लेयर चाहिए उतना लेयर तक आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ एंड में आपको प्रेशर रिलीज कर पाइपिंग बैग को उठा लेना है। अब हम फोर्थ डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए आपको पाइपिंग बैग को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा और जब आप इसे डिज़ाइन में आगे की तरफ करेंगे तो प्रेशर देना है और पीछे लेते वक्त प्रेशर रिलीज़ कर देना है, तो ये आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे चार डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब हम फिफ्थ वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये मोस्टली बॉर्डर्स पे यूज़ होता है, तो हम ऐसे इसे सेमी सर्कल में बनाएंगे और एंड की तरफ आते वक्त इसे छोड़ देंगे। तो इसके लिए भी आपको पाइपिंग बैग को टेढ़ा ही पकड़ना है और जब आप सर्कल बना के पीछे आए तो प्रेशर रिलीज़ कर देना है। अब हम रोजेट्स वाला डिज़ाइन बना लेंगे, जिसके लिए आपको पाइपिंग बैग को थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, ज़्यादा भी नहीं, और ऐसे प्रेशर देके फिर एक सर्कल बना लेना है और एंड में प्रेशर रिलीज़ कर देना है, तो आपका रोजेट्स बन जाएंगे। अब हम डबल बॉर्डर वाला डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए आपको सेम टेक्निक यूज़ करना है। जब आप डिज़ाइन बनाए स्टार्ट करें तो प्रेशर देना है और एंड करते वक्त रिलीज़ कर देना है और पाइपिंग बैग को टेढ़ा ही पकड़ना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हम ये सेम ही डिज़ाइन बनाएंगे, पर हम इसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे। पहले वाले में हमने बहुत ही पास पास में बनाया था, इसमें हम थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर फिर बनाएंगे, तो ये अलग डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं पहली वाली डिज़ाइन में और सेकेंड वाली डिज़ाइन में। अब हम ये बॉर्डर वाला जो डिज़ाइन बनाया था हमने पहले, उसका ही दूसरा वर्जन देखेंगे, जिसमें हम कंटिन्यूस नोज़ल को घुमाएंगे, हम स्टॉप नहीं करेंगे। पहले वाले में हमने सेमी सर्कल बना के स्टॉप कर दिया था, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे और प्रेशर सेम ही रखना है और नोज़ल को टेढ़ा ही पकड़ना है, तो आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये मोस्टली केक के बॉर्डर्स में आता है ऊपर वाले। अब हम रोजेस को भी कंटिन्यूस बनाएंगे। पहले वाले में हम सेपरेट बनाया था, अभी हम एक के ऊपर एक वाला रोजेस बनाएंगे, जिसकी ओवरलैपिंग वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आपका एक एक रोजेट फिनिश हो जाए तो आप जहाँ पे रोजेट फिनिश हुआ है वहाँ पे दूसरा रोजेट स्टार्ट करें और सेम टेक्निक से थोड़ा सा नोज़ल को टेढ़ा पकड़ते हुए रोजेट बना ले। तो इस तरह से हमने टोटल 10 डिज़ाइंस बना लिए हैं। आप आपकी क्रिएटिविटी के अनुसार और भी ज़्यादा डिज़ाइंस बना सकते हैं, ऐसे कोई रूल नहीं है कि यही डिज़ाइन बनेंगे। आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे या फिर आपको पता है कैसे बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये एक सिंपल डेमो था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।